नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश के एक खास बुलेटिन का। तो चलिए शुरुआत करेंगे गोरखपुर के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को भी बाढ़ प्रभावित दौरे के बाद बलरामपुर से सिद्धार्थनगर और महाराजगंज के दौरे पर हैं। इसके बाद वो गोरखपुर पहुंचेंगे और यहां पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद राहत सामग्री का वितरण करेंगे। गोरखपुर के झंगा और खजनी के उनवल के साथ शहर के लाल डिग्गीड़ चौक पर वे पीड़ित परिवारों के बीच राहत सामग्री बांटेंगे। बता दें, बाढ़ से दो बांध और एक रिंग बांध टूटने से डेढ़ दर्जन गांव के लोग विस्थापित हो गए हैं। ऐसे लोगों को राहत और राशन वितरण के साथ उन्हें चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। इधर झंगा के उपधौली गाँव में फंसे 35 लोगों का रेस्क्यू करने के लिए NDRF की टीम मौके पर पहुंच गई है। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे और ये उनका कार्यक्रम था जहां पर उन्होंने बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच राहत सामग्री बांटी है। अगली खबर सुल्तानपुर से है, जहां अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर दौरे के तीसरे अंतिम दिन पूर्व केंद्रीय मंत्री व सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी ने सुल्तानपुर नगर में नवनिर्मित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय का लोकार्पण किया है। सांसद मेनका संजय गांधी ने अपने मंचीय संबोधन में चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि इस कार्यालय में स्थानांतरण समायोजन व अन्य कार्यों में शिक्षकों से होने वाली वसूली कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी कार्यालय में अपनी शुचिता बनाए रखें। सांसद मेनका संजय गांधी ने कहा कि बेसिक शिक्षा के प्रति प्रदेश सरकार के गंभीर होने के बावजूद सुल्तानपुर नगर क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों की दयनीय स्थिति होना चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि उन्हें आज जानकारी मिली है कि नगर के आधे से अधिक विद्यालय किराए के भवन में चल रहे हैं। इसके लिए वह कुछ अधिकारियों से बात करेंगी। सांसद मेनका गांधी ने कहा कि पिछले दो दशकों से निर्मित हो रहे भवन में बेसिक शिक्षा कार्यालय का स्थापित होना भाजपा सरकार की बड़ी उपलब्धि है। बड़ी उपलब्धि है और ये तो एक ही है, उपलब्धियां की बौछार हमारी सरकार देती आ रही है। हम बहुत खुश हैं। आपने पहली दफ़ा मुझे बताया है, अगर मैं इस पर बात करती हूँ, चर्चा करती हूँ, देखती हूँ हम क्या कर सकते हैं उनको ठीक करने के लिए, क्योंकि विद्यालय और अस्पताल दो चीज़ें हैं जिस पर मेरी नज़र बहुत तीखेपन से रहती है और मैं चाहूँगी कि दोनों बहुत बिल्कुल टॉप पर आ जाएं। वहीं मथुरा के गांव आयरा खेड़ा में लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं। गांव में बने तालाब में पानी का ओवरफ्लो होने के कारण सड़क पर फैल रहा है। उसी पानी से होकर राहगीरों को निकलना पड़ता है और आसपास रहने वाले लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समय जनपद मथुरा में डेंगू, मलेरिया और अन्य बीमारियों ने भी पैर पसार रखे हैं। बीमारी से कई बच्चों की जानें भी चली गई हैं, लेकिन इसके बाद भी प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पिछले 6 साल से तो ये समस्या है, ये कमर कमर है। पानी रहता है, अरे कमर कमर पानी लगभग के पीछे पानी ना हो तो कभी किसी से शिकायत की है? किसी अधिकारी मुख्यमंत्री पोर्टल तक डाला हुआ है, सभी MLA MP और यहाँ जो है DM तक इसकी सूचना भी है और इसके मैसेज भी बैक आए, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं। बता दें MLA कौन है आपको यहाँ पे? श्याम सुंदर शर्मा, उनसे कभी शिकायत की? आपको तो देख के गए, कई बार यहाँ से निकल के गए, हर बार यही बोल के जाते हैं कि 2 महीने में विकास करा दूंगा, 2 महीने में करा दूंगा, लेकिन सुनवाई नहीं है। ये तालाब से जा रहा है, कोई सफाई नहीं, समर चलती है गाँव की, पानी की निकासी नहीं कोई करा रहा है कहीं, तो तालाब की सफाई नहीं हुई है? तालाब की सफाई भी नहीं होती है। कितने दिनों से नहीं हुई है तालाब की? कम से कम 5-6 साल। तो इसकी शिकायत की किसी से? शिकायत हमने मतलब शासन और प्रशासन सबसे कर दी, योगी आदित्यनाथ तक फैक्स कर दिए। तो अपने जनप्रतिनिधियों से किया आपने? किया, कह देते हैं हाँ कराएंगे, लेकिन करा कोई नहीं। पटवारी आ गए, कानून वो आ गए, किस विधानसभा में पटवारी? ये माट विधानसभा है। वहीं हमीरपुर से दुष्कर्म का एक मामला सामने आया है, जहां एक सदर कोतवाली इलाके में नाबालिग से दुष्कर्म के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पीड़िता ने तीनों आरोपियों के खिलाफ थाने में शिकायत की, जिसके बाद पुलिस हरकत में आई और तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के सिडरा गाँव का है, जहाँ नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
शामली में बदमाशों के हौसले बुलंद होने की खबर आए दिन सामने आती रहती है। आए दिन किसी न किसी घटना को अंजाम देने से ये कतई नहीं चूकते। ताजा मामला बीती रात का है, जहां पर बदमाशों ने डकैती डालने की वारदात को अंजाम दिया है, जहां बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार को हथियारों के बल पर बंधक बनाकर परिवार से लाखों की नकदी और जेवर पहले लूट लिए और फिर उसके बाद वो फरार हो गए। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। के साथ दुर्घटना हुई लगभग 1 बजे से 2 बजे के बीच में। लगभग 10 आदमी थे, 8-9 आदमी लगभग हमारे परिवार के एक मकान के अंदर कमरे में बैठे। पहले इन घर वालों को सबको बंधक किया, बंधक करने के बाद सबको एक कमरे में मोल दिया। इसके बाद एक को अपने साथ ले गए ऊपर कमरे में, वहाँ से सेफ की ताली ली, ताली लेकर ताली खोला। घटना क्या हुई, रात में आए साधारण लोग, जो हमारा सामान हमारा चीज़ वगैरह पैसे यानी कि सब, और हमारे आत्मा बहन का मतलब यहाँ कमरे में घेर दी सारी। मेरे मम्मी पापा भी, मैं भी, और हमारे लड़के लड़के हमारी मिसेज। उसके बाद जो भी उन्हें करना था, मतलब लेने की चीज़ भी जो भी था, उन्होंने सब निकाला। उसके लगभग में यहाँ 1 घंटे करीब रहे और फिर उसके बाद भी चले गए। तो हम ऊपर इसमें मैन गेट के जो ऊपर अनुसंधान हो उसमें वो बाहर निकल गए। देखिए, रात में थाना भवन के कादरगढ़ गांव में 1 से लेकर 2-2.5 बजे के बीच में कुछ बदमाश आए हैं, और एक आउटर साइड में घर है, मिस्टर विजेंद्र सिंह साहब का है, तो उनके घर में जो है यहाँ से आकर के लूट की घटनाएँ हुई हैं। पुलिस से लेकर के सारी टीमें इसमें लगाई गई हैं और ये पुलिस के लिए चुनौती है। हम घटना पंजीकरण करके इसको अनावरण करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं श्रावस्ती के थाना इकोना अंतर्गत बीती रात करीब 10 बजे तहसील इकोना के पास नेशनल हाईवे 730 पर भयंकर सड़क हादसा हुआ, जिसमें बहराइच से उतरौला वापस जा रहे यात्रियों से भरी एक टेम्पो सड़क पर पड़ी ईंट पर चढ़ जाने से पलट गई। तभी विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक ने सभी को रौंद दिया और रात का फायदा उठाकर फरार हो गए। हादसे में 4 महिला 1 पुरुष समेत 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि 2 महिलाएं घायल हैं। हादसे में एक छोटा बच्चा सुरक्षित बच गया, जो लाशों के ढेर पर सोया हुआ मिला। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। ये उतरौला का एक परिवार है, जो ये दरगाह शरीफ गए थे बहराइच में, वहाँ से आ रहे थे टेम्पो से, और बीच में इनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। 3 लोग ड्राइवर से जिनका उपचार कराया गया। सर, कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं? ये इसमें 2 महिलाएं घायल हैं, 1 ड्राइवर घायल है, और जिनकी मृत्यु हुई है उसमें 4 महिलाएं और 1 पुरुष। वहीं पीलीभीत जनपद की पूरनपुर तहसील इलाके के पंडरिया गांव में जमीन के विवाद में गांव के कुछ दबंगों ने घर में घुसकर अकेली सो रही युवती के साथ छेड़छाड़ की, फिर उसके साथ मारपीट की गई, जिसके बाद पीड़िता की मां ने मामले की शिकायत थाने में की, जिसके बाद आरोपियों ने पीड़ित युवती की मां को रास्ते में घेर कर पहले मारपीट करते हुए छेड़छाड़ की। पीड़िता की हालत बिगड़ने पर पहले उसको CHC पूरनपुर में भर्ती कराया गया, जहां हालत बिगड़ने पर उसको पीलीभीत महिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल मामले में पुलिस ने अब तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की है और ना ही महिला का मेडिकल परीक्षण किया गया है। प्रधान ने सह के घर पर बैठे, हमने प्रधान जी ढूंढा ले लाठी पहुँचा ले बैठो आए बचा लो। प्रधान जी ने कही चलो कोई बात नहीं, हम बना रहे थे, अब फिर चले आज घर पर आ, घर से हमें उठा लेगा, घर से उठा के अंदर बंद कर लो, मारो पीटो हमें। तमंचा लेके हमारे बेड को एक लड़की है पांच पास में रात बिहारी लाले, उसने हमें टटिया पार के अंदर से निकालो दूसरे गेट से। मेरी मम्मी से पुराना कोई लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, तो वो लड़ाई झगड़ों को लेके अभी तक हैं। तो मेरी मम्मी दुकान मतलब घर से थी, तो उन्होंने वो लड़ाई झगड़ा करके आज मारपीट की,
तो मम्मी को घर से मतलब उठा ले गए, उठा के बाद में तो मैंने बोला मेरी मम्मी को कहाँ ले जा रहे हो। मेरे भाई बहन जब गए तो हम गए तो मम्मी को जब उन्होंने कमरे में बंद कर लिया। ये हमारे यहाँ जो है एक महिला जो है राधा नाम की, 38 साल उसकी उम्र है, तो ये पूरनपुर में वहाँ पे कोई लेडी डॉक्टर नहीं होगी इसलिए उन्होंने यहाँ पे भेजा है। तो मैंने जैसा भी पूछा है तो कल इनके यहाँ कुछ आपस में ज़मीन को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ है, तो उन्होंने ये लगाया कि पड़ोस के ही लोग हैं और उन्होंने इसके पेट वेट में मारा वारा है। तो मेडिकल तो अभी इसका नहीं हुआ है, एज मरीज की तरह ये हमारे यहाँ एडमिट हुई है। अभी मैंने इसकी सारी जांचें करवाई हैं, अल्ट्रासाउंड कराया है। तो इस पूरे मामले पर हेमराज वर्मा पूर्व राज्य मंत्री हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। हेमराज जी आपको मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज? जी। हेमराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया पर। जी थैंक यू जी। हेमराज जी ये कह रहा था मैं कि जिस प्रकार से पूरी घटना है जहां पर महिला और उसकी बेटी के साथ इस तरीके से छेड़छाड़ की वारदात और सब कुछ होता है, इसके बाद भी अभी तक पुलिस ने ना तो मामला दर्ज किया है और ना ही मेडिकल परीक्षण कराया गया है, क्या कहेंगे इस तरीके की हरकतों पर आप? देखिए ये इस तरह की जो घटनाएं हैं इस भाजपा सरकार में आए दिन होती चली आ रही है। महिलाओं और बहन बेटियों के साथ में जो जघन्य इस तरह के अपराध हो रहे हैं और सरकार बिल्कुल आंखें मूंदे बैठी है, और ये इतने इस सरकार ने जितना नारी शक्ति का अपमान किया है और यहाँ तक कि लोगों पुराने समय को याद दिला दिया जब कभी महिलाओं का चीर हरण होता था, उन्हें निर्वस्त किया कर दिया जाता था, तो इस तरह घटनाएं भी सरकार में बहुत सारी देखने को मिली है। ये सरकार महिला सुरक्षा कहीं पर दे नहीं पाई और महिला सुरक्षा के नाम पर ये ढोंग करने वाली सरकार ये सिर्फ अपने बिल्कुल वेंटिलेटर पर पहुंच चुकी है और चंद सासे अपने बच्चे हैं उन्हीं को अपना समय पूरा कर रहे हैं। ठीक है, और इनका अंत समय बहुत करीब है। बिल्कुल। और आने वाले समय में जनता इनको जवाब देने जा रही है। जी बिल्कुल। हेमराज जी लोकतंत्र है और लोकतंत्र में विपक्ष की भी एक भूमिका होती है, तो ऐसे में हेमराज जी अभी तक आपकी तरफ से इसमें क्या कुछ किया गया है, क्योंकि पुलिस मामला दर्ज नहीं कर रही है ना ही मेडिकल परीक्षण करवा रही है, तो ऐसे में आपकी ओर से अभी तक क्या कुछ किया गया है? देखिए सपा की बात कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विपक्ष की भूमिका को मजबूती से निभाकर और लोकतंत्र को बचाने का प्रयास कर रही है, और ये घटना हम लोगों के संज्ञान में आई है और हमारी कुछ लोगों से बात भी हुई है, और इस पे अगर उसको न्याय नहीं मिलता है तो जो है उच्च अधिकारियों का चाहे घेराव किया जाएगा या जो भी हो धरना प्रदर्शन जो भी करा जाएगा उसके लिए करने के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा तैयार रहती है, और उस बहन बेटी को उस माँ को उसे न्याय दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी सड़कों पर संघर्ष करेगी और अगर कहीं पर और भी कुछ करना पड़ेगा वो भी करने की तैयार है। ठीक है हेमराज जी, आपके घटना आपके संज्ञान में है इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ कि क्या कुछ क्यों नहीं लिखी जा रही है, पुलिस इस पे रिपोर्ट क्यों नहीं लिखना चाहती है, इतनी सुस्त क्यों नजर आ रही है, क्या जो आरोपी है वो ज्यादा ताकतवर है या कुछ ऐसी कुछ चीज? देखिए सीधी सी बात है, ये जो भाजपा सरकार है ये सही आंकड़ों को छिपाना चाहती है और इस तरह की महिला उत्पीड़न जैसी तमाम सारी घटनाओं को ये छिपाना चाहती है, और इसीलिए ये मुकदमे लिखने में हीला हवाली ये लोग कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा कर नहीं पाएंगे क्योंकि सब लोग संज्ञान में आ गया है और इस पर हम लोग एक ठोस रणनीति बनाकर उस महिला को न्याय दिलाने के लिए आगे बढ़ेंगे। महिला के घर वालों से आपकी कोई बातचीत हुई है? हाँ, मेरी उनके रिश्तेदारों से बात हुई है और बहुत जल्दी हम लोग उसके लिए न्याय दिलाने के लिए जो संभव हुआ करेंगे हम लोग। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हेमराज जी। राजनीति से परे ये एक ऐसी घटना है, एक ऐसा मामला है जहां पर सभी को साथ आकर इनको न्याय दिलाने के लिए आगे आना चाहिए और इस पर बात करनी चाहिए। तो महिला और उसकी बेटी के साथ ये छेड़छाड़ का और पूरा मामला जो कि पीलीभीत का है जहां पर माँ बेटी के साथ छेड़छाड़ की पूरी घटना हुई, इसके बाद ना तो पुलिस ने अभी तक रिपोर्ट दर्ज की है और ना ही पीड़िता का मेडिकल चेकअप किया गया है। तो पीलीभीत से सीधी तस्वीरें झकझोर देने वाली, जहां पर एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ से ये तस्वीरें आती हैं जो सारे दावों की पोल खोलती हुई दिखाई देती हैं। हालांकि
सपा से पूर्व राज्य मंत्री से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा है कि उन्होंने घटना का संज्ञान लिया है और वो जल्द ही पीड़िता को न्याय दिलाने की भरपूर कोशिश करेंगे। बरेली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें, पुलिस ने चोरी की सरिया बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। साथ ही सरिया व्यापारी द्वारा पुलिस को शिकायत मिली थी कि ट्रक चालक उड़ीसा से लाई हुई सरिया मालिक के पास ना पहुंचाकर बीच से ही गायब कर देते हैं। जब सरिया मालिक को इस बात का पता चला तो मालिक ने थाना प्रेमनगर पर एक मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस मामले को संज्ञान में लेते ही आरोपियों की तलाश में जुट गई है और शास्त्री नगर तिराहे के पास से 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल मामले की पूछताछ में पुलिस जुट गई है। तो बरेली का ये पूरा मामला है जहां पर सरिया को लाते थे, ले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन मालिक तक नहीं पहुंचाई जा रही थी। तो सरिया को बीच से गायब करने का ये पूरा मामला था, बरेली का पूरा मामला है, जहां पर पुलिस ने सरिया बेचने वाले 3 अभियुक्तों को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही में जुट गई। आपको बता दें कि ये कोतवाली प्रेमनगर का पूरा मामला है। तीनों लोग सरिया को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता थे, लेकिन जो मालिक था उस तक नहीं पहुंचाते थे और बीच में ही सरिया को गायब करके उसको बेचने का काम किया करते थे। तो ऐसे में 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 3 अभियुक्त जो सरिया को बेचने का काम करते थे, इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और पुलिस आगे की जाँच में जुट गई है। वादी श्री सलभगोल निवासी प्रभात नगर थाना प्रेमनगर के द्वारा प्रेमनगर पर एक मुकदमा 420-406 का पंजीकृत कराया गया था, जिसमें इनके द्वारा बताया गया था कि इनका सरिया जो कि उड़ीसा से आना था, इनको डिलीवर होना था, वो सरिया इनको डिलीवर नहीं हुआ। इसके जांच के लिए क्राइम ब्रांच एवं थाना प्रेमनगर की संयुक्त टीम बनाई गई। इस टीम के द्वारा गहन छानबीन की गई, जाँच की गई और आज इस टीम के द्वारा जो अभियुक्त गैंग है, इस गैंग के 3 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया। वहीं दूसरे बदमाश को पुलिस ने दौड़ाकर पकड़ लिया। इस दौरान तीसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पकड़े गए बदमाशों से 2 तमंचे, लूट की अर्टिगा कार और मोबाइल बरामद किए गए हैं। घायल बदमाश को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं फरार बदमाश के लिए पुलिस कॉम्बिंग कर रही है। तो कार लुटेरे और पुलिस के बीच पूरी मुठभेड़ हुई है। ग्रेटर नोएडा का पूरा मामला है जहां पर एक बदमाश के पैर में गोली लगी है और फिलहाल पुलिस कॉम्बिंग कर भागे हुए लुटेरों को पकड़ने का प्रयास कर रही है। कार 29 अगस्त को लूटी हुई थी, जिसपे लगातार हमारी दादरी पुलिस और एसओजी की टीम ज्वाइंट रूप से इस पे काम कर रही थी। काफ़ी मुफीद हमारे पास मुखबिर के द्वारा इन्फॉर्मेशन थी और कुछ हम लोग टेक्निकल सपोर्ट के द्वारा भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी कि आज ये गाड़ी हापुड़ से चलकर पुनः दिल्ली बिकने के लिए जा रही है। इस पर जुवन चौराहे पे दोनों टीमें बहुत ही सघन चेकिंग कर रही थी। गाड़ी दूर से आती हुई दिखाई दी, यद्यपि इसका नंबर प्लेट उन लोगों ने बदल दिया है, लेकिन गाड़ी के मेक और मॉडल के आधार पर हमारी टीम ने उनको रोकने का प्रयास किया। जब वो नहीं रुके, बहुत तेज़ी से भागे। दूसरी तरफ से पुलिस पार्टी ने इसको घेराबंदी की, अपने आप को घिरा देखकर इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। काउंटर एक्सचेंज में पुलिस पार्टी ने भी गोलियां चलाईं, जिस पर एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, एक बदमाश पकड़ा गया है कॉम्बिंग के दौरान और एक बदमाश भागने में सफल रहा है, जिसके लिए हमारी टीमें लगातार कॉम्बिंग कर रही हैं। वहीं आगरा के आसपास के जिलों में वायरल बुखार का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रैपिड रिस्पांस टीम गठित कर दी है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग के द्वारा एक कंट्रोल रूम का नंबर भी जारी किया गया है। यहां आप बुखार से पीड़ित मरीजों की सूचना दे सकते हैं। आगरा SN मेडिकल कॉलेज में ज़्यादातर वायरल बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है, साथ ही बच्चों को भी यह बीमारी तेजी से जकड़ रही है। तो आगरा का यह पूरा मामला है जहाँ पर वायरल बुखार का जो आतंक है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है।
आगरा के शमशाबाद कस्बे में एडीएम ने निरीक्षण किया है। एडीएम ने नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ यह निरीक्षण किया है, जिसके बाद डेंगू के प्रकोप से बचने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ ही एंटी लार्वा दवा, फॉगिंग, साफ सफाई कराने को लेकर भी निर्देश दिए गए हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं आगरा के शमशाबाद कस्बे का ये पूरा मामला है, जहां पर एडीएम ने निरीक्षण किया है और निरीक्षण करने के बाद उन्होंने डेंगू से बचने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं, जिसके साथ ही उन्होंने एंटी लार्वा दवाई और फॉगिंग भी वहां पर करवाई है। निरीक्षण की पूरी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वहीं लखनऊ में भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के संस्थापक पंकज कुमार शर्मा से चुनावी मुद्दों पर खास बातचीत की गई है, जिसमें किसान कितने संतुष्ट हैं और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर इस पर चर्चा की गई है। आप हमारी सहयोगी रूबी सिद्दीकी के साथ की गई इस बातचीत को देखिए। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज शर्मा जी। पंकज शर्मा जी से जानते हैं, उत्तर प्रदेश में इनका पहला कदम हुआ है, चुनाव के टाइम नज़दीक हो चुके हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है पंकज जी, क्या तैयारी होगी विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करते हैं? ये पहला चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है जो उत्तर प्रदेश की जनता खुद चुनाव लड़ रही है, क्योंकि भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी का निर्माण उत्तर प्रदेश की जनता ने ही किया है। भारत की पाँचों दिशा के जनता के समर्थन से निर्माण हुई थी और एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में पार्टी का निर्माण हुआ, तो जनता इस बार बहुत अच्छा तैयारी कर रही है, क्योंकि जनता ने कहा सबको देखा बार बार, भालो रापा एक बार, इसीलिए हम लोग 403 विधानसभा में जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, किसान के मुद्दे की अगर हम बात करते हैं, इस पर आपका क्या कहना होगा? देखिए, किसान का बहुत बुरा हाल है, जो किसान अनाज उपजा रहा है, हमें जीवित रख रहा है, लेकिन इनकी बातों को न केंद्र की सरकार सुन रही है, न प्रदेश की सरकार सुन रही है। दो दिन पहले किसानों के साथ क्या हुआ, ये आप सभी ने देखा है। तो इसे कहते हैं एक इमरजेंसी पहले जो लगी थी वो एक घोषित इमरजेंसी थी, ये इसे कहते हैं अघोषित इमरजेंसी। कुछ भी आपने अगर गलत बातों को उजागर किया सरकार के खिलाफ में, आपके ऊपर केस लगा दिया जाएगा, आपको जेल में डाल दिया जाएगा, जीवन भर जेल में सारी, ये सारी चीज़ मतलब अंग्रेज से भी ज़्यादा खतरनाक स्थिति हम लोग अभी चल रहे हैं। लेकिन भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी किसानों के साथ में खड़ी है और चट्टान की तरह खड़ी है। पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ जाते हैं, गैस सिलेंडर के रेट बढ़ जाते हैं, इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, पेट्रोल डीजल का रेट जो बढ़ा है, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जिम्मेवार हैं, इसलिए कि आप अगर देखेंगे तो हरियाणा में, पंजाब में इस पर टैक्सेस काफ़ी कम किए गए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में हमने बार बार सरकार से कहा है कि टैक्सेस को कम करिए। केंद्र सरकार को हमने कहा, क्योंकि डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने से सारी महंगाई देश से बढ़ चुकी है, लेकिन इन्हें क्या है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम का बात करना है ताकि लोग मुद्दा से भटक जाएं। रोजगार का मुद्दा इनके पास समाप्त हो चुका है, कोई मुद्दा इनके पास रहा नहीं, बोलने का कुछ रहा नहीं, तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम दंगा, लेकिन सारे इनके जो व्यापार हैं सारे एक साथ कर रहे हैं, मुस्लिम हो या हिंदू हो, सारे आप अगर निकालेंगे सारे व्यापार एक साथ हैं। तो डीजल पेट्रोल की वजह से ही ये महंगाई बढ़ रही है। हमने इनको बार बार कहा है कि आप कम से कम टैक्स जो है 69%, विश्व में किसी भी कंट्री में आप चले जाइए, क्या 69% डीजल पेट्रोल पर कहीं टैक्सेस हैं? नहीं है, लेकिन भारत में टैक्सेस हैं, यूपी में तो सबसे ज़्यादा टैक्सेस हैं, इसीलिए इसका भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी ने पुरजोर विरोध किया है और यूपी की सरकार से मांग किया है कि आप टैक्स कम करिए। अच्छा, अगर हम बात करते हैं गठबंधन की, तो क्या गठबंधन की स्थिति बनेगी? देखिए, मैं बता दूं कि दो चुनाव में गठबंधन हुआ, 17 में सपा कांग्रेस का गठबंधन हुआ, 19 में सपा और बसपा गठबंधन हुआ। जनता का कहना है कि गठबंधन करके नेता लोग सिर्फ अपने आप को स्थापित करते हैं, लेकिन जनता का भला नहीं होता है, उनके बच्चे बन जाते हैं मंत्री, एमएलए, डिप्टी सीएम, और पहले उनके पास साइकिल पर चलने का की औकात नहीं होती है, बाद में वो 2 लाख करोड़ के मालिक हो जाते हैं। तो
तो गठबंधन को प्रदेश की जनता ने नकार दिया है, इसीलिए गठबंधन दूर दूर तक हमारा कोई कहीं किसी से बातचीत नहीं है। फोन सबके आ रहे हैं लेकिन हमने सबको नकार दिया है। चुनाव को लेकर क्या एजेंडा होंगे आपके? चुनाव के लिए हमारा है कि पहले जैसे हमारी सरकार बनेगी, हमने कहा है कि हर विधानसभा में 5-10 फैक्ट्री हम पहले लगाएंगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट का आईटी सेक्टर में, उसके बाद स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, तीन चीज़ पे हमारा ज़्यादा फोकस होगा कि कैसे हम चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा को कैसे हम मजबूत करें। क्योंकि आपने देखा है पिछले जो चुनाव हुए उसके बाद इन लंबे लंबे वादा किए, लेकिन कोरोना काल में सबका चेहरा सामने आ गया। कोरोना में कैसे रेत में ढक दिया गया, कैसे गंगा बहा दिया गया। आप हिंदू की बात करते हो, हिंदू के नाम पे वोट लेते हो, लेकिन हिंदू का जब कोई इंसान मरता है तो उसे मोक्ष कैसे मिलता, अंतिम संस्कार थे। आप जितना पैसा चुनाव लड़ने में, चुनाव के प्लानिंग में आप खर्च करते हो, उसका अगर 5% पैसे भी अंतिम संस्कार के लिए लगा दिए होते, कुछ पैसे ऑक्सीजन के लगा दिए होते, तो ये घटनाएं नहीं घटती। लेकिन बहुत शर्मनाक घटना है कि अंतिम संस्कार भी लोगों का नहीं हुआ, उन्हें गंगा में दहाया गया, उन्हें रेती में ढका गया। अपनी नाकामयामी को इन्होंने ढकने का पूरा जो इस्तेमाल किया है कोरोना को किया है। यानी आप मान रहे हैं ये बात, अगर आपकी पार्टी आती है जीतती है तो आप तोहफे में यहाँ की जो जनता को आप रोज़गार देंगे? हमारा है शिक्षा, रोजगार और चिकित्सा। हमारा एक नारा भी है कि BLRP की यही पुकार, शिक्षा चिकित्सा रोजगार, यही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। क्योंकि जाति धर्म क्षेत्र भाषा से ऊपर उठकर ही भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी का निर्माण हुआ है। महिलाओं ने, बेटियों ने, माताओं ने, युवाओं ने मिलकर बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही भारतीय लोकमत राष्ट्रवादी पार्टी निर्माण हुआ है। और हम व्यापारी वर्ग, किसान वर्ग और मजदूर तीनों में हम समन्वय स्थापित कर रहे हैं। तीनों के बीच में संतुलन जब स्थापित होगा तो उत्तम प्रदेश बनेगा, सर्वोत्तम प्रदेश बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे जी पंकज जी का यही कहना है कि अगर इनकी पार्टी यहाँ से जीतती है तो निश्चित तौर पर जो जनता को तोहफा मिलेगा वो रोजगार के साथ साथ यहाँ के जो मूलभूत जरूरतें होंगी उसको ये पूरी करेंगे। लखनऊ से कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ रूबी सिद्दीकी, न्यूज़ वाली। तो फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश के इस खास बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।